Okay, students, good afternoon. Welcome to NCERT Concepts. पिछला जो लेक्चर था रीजनिंग के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था रीजनिंग है क्या, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके टाइप्स डिडक्टिव और इंडक्टिव. ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इंडक्टिव लॉजिक जो है, उसमें जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है उसकी ट्रुथ एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, वो कंफ्यूजिंग होता है. ठीक है, पर्टिकुलर से जर्नलाइजेशन की तरफ हम उसमें जाते हैं, तो उसको ज्यादा डिस्कस हम उससे आगे नहीं करेंगे. ठीक है, सो जो मेन लॉजिकल टूल है जिसे हम यूज करते हैं वो है डिडक्टिव रीजनिंग. एक दो एग्जाम्पल हमने उसके किए थे, एक दो और करके देख लेते हैं. ठीक है, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो डिडक्टिव रीजनिंग एग्जाम्पल है आपके सामने कि when it rains, the trees get wet. ये एक्सपीरियंस हमें बताता है. ठीक है, ये एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है. कैसे भाई, कमरे में तो कोई पेड़ लगाता नहीं. ठीक है, पेड़ होते हैं बाहर खुले में, तो बारिश होगी वो गीले हो जाते हैं. ये हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं बचपन से. ठीक है, और हमसे पहले हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स. ठीक है, सो इट इज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रुथ. सही है ये बात. ठीक है जी, अब सुबह आप उठते हैं और देखते हैं द ट्रीज आर वेट इन द मॉर्निंग. पेड़ गीले हो रखे हैं. ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये आपने ऑब्जर्व किया है सुबह उठने पे. ठीक है, सो कंक्लूजन इससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप कि लास्ट नाइट को बारिश हुई होगी. ठीक है, पेड़ गीले तब होते हैं जब बारिश होती है. सुबह आपने देखा कि पेड़ गीले हैं, तो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि लास्ट नाइट को जरूर बारिश हुई होगी. ठीक है, आपने होते हुए नहीं देखा, आप सो रहे थे, बट लॉजिकल रीजनिंग टेल्स यू दैट इट रेन्ड लास्ट नाइट. ठीक है, तभी पेड़ गीले हुए हैं. सो डेली लाइफ में हम इन चीजों से इनकाउंटर होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं. चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं. ओल्ड ट्रीज हैव ट्रंक्स. ठीक है, पेड़ है, पेड़ के ट्रंक तना होता है. ठीक है, सभी ने देखा है ओल्ड ट्रीज हैव ट्रंक, होता है या नहीं. ठीक है जी, नीम ट्री इज ए ट्री, नीम का पेड़ जो है वो भी पेड़ की कैटेगरी में आता है. ठीक है जी, सो क्या ये कहना गलत होगा कि नीम ट्री हैज ए ट्रंक, नीम का जो पेड़ होगा उसके भी तना होगा, क्या ये कहना गलत होगा. नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही होगा. ठीक है, सो यहां भी सभी के लिए एस्टेब्लिश्ड एक ट्रुथ है, ओल्ड ट्रीज हैव ट्रंक्स. ठीक है, ये एक्सपीरियंस से हम जानते हैं. ओके, नीम ट्रीज ए ट्री, ये भी हम जानते हैं. सो इस कंक्लूजन को कोई नकार नहीं सकता. ठीक है, नीम ट्री हैज ऑल्सो ए ट्रंक, उसके भी ट्रंक होगा. ठीक है, सो ये डिडक्टिव रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग है जिसको यूज करके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, देखिए यहां आपके सामने चार कार्ड्स शोन हैं. ठीक है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4. ठीक है, ये चार कार्ड्स आपके सामने हैं. ये कार्ड्स एक रूल फॉलो करते हैं. क्या रूल फॉलो करते हैं कि जिस कार्ड पे इवन नंबर है उसके अपोजिट में वोवल होगा. ठीक है, जिस कार्ड पे इवन नंबर लिखा हुआ है, इन कार्ड्स पे एक साइड पे नंबर्स हैं. ठीक है, और दूसरी साइड पे लेटर्स है. लेटर्स किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के, ए बी सी डी. ठीक है, सो
एक साइड नंबर्स हैं और एक साइड लेटर्स हैं, ठीक है। और रूल क्या फॉलो करते हैं ये कि इवन नंबर अगर लिखा है तो उसके दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, वोवल लिखा होगा। वोवल कौन से होते हैं, ए बी सी डी सारे लेटर्स हो गए, उनमें से वोवल्स कौन से, वोवल्स हो गए ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। ये जो पांच लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ये वोवल्स हैं, ठीक है। सो अगर इवन नंबर है तो उसके पीछे एक वोवल आपको मिलेगा, ये रूल फॉलो करते हैं ये कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें देखिए जो चीजें आपको नहीं बताई गई हैं बट इस बात से आपको समझनी है, ठीक है, क्या क्या, कि अगर ओड नंबर है तो उसके पीछे वोवल हो, ठीक है, या कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन से, जो इनके अलावा बच गए, ए बी ए को छोड़ के, बी सी डी ई को छोड़ के, एफ जी एच आई को छोड़ के, जे के वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इनको छोड़ के वो, सो ओड नंबर अगर इसी कार्ड पे लिखा है तो उसके पीछे वोवल भी हो सकता है, उसके पीछे कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। इस रूल से उस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ये रूल सिर्फ ये बताता है कि इवन के पीछे वोवल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी कार्ड को, जैसे कि यहां आपको दिख रहे हैं कार्ड्स पे लेटर्स भी हैं और कार्ड्स पे नंबर्स भी हैं, ठीक है। सो किसी कार्ड, कोई कार्ड है आपके पास और उस पे आपको लेटर दिखाई दे रहा है, मान लो लेटर दिखाई दे रहा है आपको वोवल, ठीक है। सो उसके पीछे इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा, इसके बारे में भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो स्टेटमेंट है हमें, जो कंडीशन गिवन है, वो सिर्फ ये कहती है कि अगर इवन नंबर है तो वोवल होगा, अगर इवन नंबर है तो उसके पीछे वोवल होगा। वोवल नंबर अगर किसी कार्ड पे शो कर रहा है, वोवल लेटर अगर किसी कार्ड पे शो कर रहा है तो उसके पीछे इवन होगा या ओड होगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। सो ये ऐसी दो कंडीशंस हैं जो हमें बताई नहीं गई हैं बट हमें समझनी है इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। इवन है तो वोवल है। अब वो सवाल क्या करता है कि इन कार्ड्स को उठा के देखें, आप इन कार्ड्स को उठा के देखें और इस स्टेटमेंट की ट्रुथ कंफर्म करें। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन था कि इवन नंबर अगर किसी कार्ड पे लिखा है तो उसके पीछे वोवल होगा, ये आपको इस्टेब्लिश करना है ट्रुथ, ठीक है। कार्ड्स आपको पलट के देखने हैं, ऑप्शन है आपके पास चारों ही पलट के देख सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि बाय यूजिंग मिनिमम कार्ड्स, ठीक है। आपको मिनिमम कार्ड्स का यूज करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूव या डिसअप्रूव करना है, ठीक है। देखिए मिनिमम मतलब कम से कम कार्ड पलटूं और मेरा रिजल्ट सही हो। देखिए सबसे पहले ए की बारी आती है, ए एक वोवल है, ए एक वोवल है, ठीक है। सो इसको पलट के देखूं, इसके पीछे इवन नंबर है या ओड है, मान लीजिए मैंने पलट के देखा इसे, ठीक है, और इसके पीछे इवन आ जाता है या इसके पीछे ओड आ जाता है, तो उससे मेरे इस रूल पे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि द रूल सेज इवन नंबर है तो उसके पीछे वोवल होगा। वोवल के पीछे इवन हो या ओड हो, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर इस कार्ड के पीछे, ए वाला जो कार्ड है, इसके पीछे वोवल आ जाता है तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव नहीं होता, क्योंकि आप किसी चीज को प्रूव करने के लिए चाहे लाख एग्जाम्पल दे दो, आपको क्या चाहिए, एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए उसको डिसअप्रूव करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए इसके पीछे ओड आता है, ओड नंबर आता है, ठीक है। ओड नंबर अगर है तो उससे भी ये स्टेटमेंट जो है वो डिसअप्रूव नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वोवल के पीछे इवन है या ओड वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये है कि इवन नंबर अगर है तो उसके पीछे वोवल होगा, ठीक है। सो ए को
टर्न करने का, फ्लिप ओवर करने का कोई तुक नहीं है, सो इसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, सो इसको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, ओड नंबर है मेरे पास, ठीक है, मैं उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा हूं जो मैंने यहां लिखी है, ठीक है, जो बताई नहीं गई है, जो बताई गई वो तो हमारे सामने है, जो नहीं बताई गई है उनके अकॉर्डिंग देखिए, ओड नंबर है। अब ओड नंबर को पलट के मैं देखूं उसके पीछे कॉन्सोनेंट है या वोवल है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है या वोवल है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओड के पीछे वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, उससे हमारे इस रूल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि रूल आपका क्या है कि अगर इवन नंबर है तो उसके पीछे वोवल है, ठीक है। सो इसे भी पलट के देखने का कोई तुक नहीं है, तो पांच को भी छोड़ दिया हमने। अब बचे वी और सिक्स रिटर्न कार्ड्स, ठीक है, ओके। सो अगर मैं इस कार्ड को फ्लिप ओवर करके देखता हूं, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और इसके पीछे मुझे इवन नंबर मिल जाता है, वी कार्ड जो है इस, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और इसके पीछे इसको फ्लिप करके देखा, इसके पीछे मुझे इवन नंबर मिल जाता है, ठीक है। सो मेरा रूल जो है कि इवन के पीछे वोवल होगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉन्सोनेंट के पीछे अगर इवन नंबर मिल जाता है तो रूल ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी मेरे पास एक काउंटर एग्जाम्पल होगा, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल होगा ये शो करने के लिए कि जो रूल है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है जी। सो मुझे इसे पलट के बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है, ओके, क्योंकि ये मुझे काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, और अगर इसके पीछे ओड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, छह, सिक्स नहीं कहूंगा मैं इसे, ठीक है, सिक्स, सिक्स रिटर्न कार्ड है, एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर के पीछे वोवल होगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो हमें इसे बिल्कुल चेक करना पड़ेगा इसके पीछे वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सिक्स रिटर्न जो कार्ड है, अगर इसके पीछे आपको वोवल मिल जाता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका सही है, और अगर इसके पीछे आपको कॉन्सोनेंट मिल जाता है तो स्टेटमेंट आपका क्या है, डिसअप्रूव हो जाता है, ठीक है, ये काउंटर एग्जाम्पल, ये भी काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो सिर्फ दो ही कार्ड्स, सिर्फ दो ही कार्ड्स पलटने की मुझे जरूरत है ये प्रूव करने के लिए कि स्टेटमेंट जो गिवन है इवन के पीछे वोवल होगा वो सही है या फिर गलत है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, ठीक है। और इस कंक्लूजन पे कि सिर्फ दो ही कार्ड टर्न करके मैं पता लगा सकता हूं कि ये स्टेटमेंट होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा कंक्लूजन है, और इस कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे हूं मैं, एक तो स्टेटमेंट मुझे ये गिवन था और ये दो स्टेटमेंट्स मैंने खुद डिराइव किए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, हिडन थी इसमें, अगर आपको ये बताया गया है तो ये आप लॉजिकल थिंकिंग से पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स, ओके।